लिखत राम स्वरूप अणखी कहानी तकसीम। तकसीम तो तुसी जानते हो, एक पाए दाल लकीर दोवें सिरां तो हेठां वल खिचियां ते फिर बाहर वल नूं जांदियां दो चापां अर्ध चंद आकार दियां। बस इस प्रकार ही सन उस दियां मुच्छां, उतले बुल उत्ते छोटे छोटे वालां दी सिद्धी रेखा ते फिर दोवें सिरां तो लंबे लंबे कुंडल थले नूं आ के एकदम उतां उठे हुए। कुंडलां नूं मरोड़ा देके रखदा, उतां चुकदा जां सिद्धे करदा, पर ओ फिर अपनी असल शकल विच कुंडल बन जांदे। फिक्सर ला के चिपकाई बहुत घट ते कक्के वालां दी दाढ़ी उत्ते उस दियां मुच्छां होर भी तकसीम बन के उगड़दियां। उस दे साथियां ने उसदा नां तकसीम रख छड्डिया सी। लक्ष्मण सिंह तां उसनूं कदे ही कोई आखदा जां फिर महीने पिछों तनखाह लैण वेले कलर्क दे मूंहों उसदा नां सुणिया जांदा। चल बई लक्ष्मण सिंह, ला टिकट। लक्ष्मण सिंह लच्छू लच्छा वालां दा लच्छा ते फेर वालां तो गल तुर के उस दियां मुछां ते आ अटकदी। वह गुस्सा नहीं करदा सी, खिजदा मोड़वे जवाब करदा ता साथी होर छेड़ दे। उसनू कोई कुछ कही जांदा वह मुस्कुरा छड़दा। मुस्कुराण नाल उस दियां मुछां दी तकसीम होर उगड़ उगड़ पैंदी। उसदे साथी लखबीर भरपूर जसविंदर ते हरनेक इको जी उम्र दे इको जीआं आदतां दे मालक। लखबीर कुछ चुस्त सियाणा ते बाकियां उत्ते प्रभाव रखदा, चारे ही छड़े छड़ांग, इक चुबारा किराए ते लै के रहिंदे, जिस दिन तनखाह मिलदी ओह पीण दा प्रोग्राम बना लैंदे, पींदे ते पूरा शुगल करदे। एक बार उन्होंने तकसीम नूं वी चुबारे विच बुला लिया, वह परिवार समेत वक्खरे मकान विच सी। तकसीम विच हीणता भाव पैदा हुंदा जांदा सी। साथियां विच बैठ के जे ओ कोई सुभाईकी गल करदा तां वी उस दी गल दा मखौल उड़ा दित्ता जांदा ते फिर उसनूं तां बोलण ही ना दित्ता जांदा। मखौल ते मखौल, ओ चुप करके बैठ जांदा, उत्तों उत्तों मुस्कुराउंदा पर अंदरले मनो हीणा हो चुक्या हुंदा। कदे जे कोई उसनूं प्यार नाल बुलाउंदा तां ओ मुस्कुरा मुस्कुरा के पूरी गलबात करदा पर अंदरों डरदा रहिंदा, किते मखौल वजों तां नहीं कर रिहा इह गल। साथियां दी इस गल दा पहलां तां उहने मखौल ही समझिया कि अज चुबारे विच तकसीम नूं वी नाल पिआउणी है, पर विश्वास उसनूं तद आया जद लखबीर ने अपनी जेब विच रुपए कढ़ के उसनूं फड़ा दित्ते ते कहा ओह उसदा नां लै के नंबरदारां तों दो बोतलां लै आवे। कंबदे हत्थां नाल तकसीम ने रुपए फड़े। मई दे दिन सन, दिन वेले हनेरियां चलदियां, कदे कदे बदल वी हो जांदे, हनेरी वी उठदी पर बदलां दी गड़गड़ाहट विच्चों चार छिट्टे वर जांदे तां मौसम साफ हो जांदा। बहुतियां कणियां पैंदियां तां हवा विच ठंड वी भर जांदी। इस तरह दी हवा साहां विच ताजगी लियांदी। उस दिन शाम नूं वी मीह पै के हटिया सी, ठंडी ठंडी हवा चल रही सी। उहनां दे चुबारे कोल वड्डे पिप्पल दे पत्तियां दी खड़ खड़ कन्नां नूं सुखावीं सुखावीं लग रही सी। चुल्ले उत्ते मीट दा पतीला रख के उन्होंने चुबारे अगे दो मंजे डाहे ते विचकार मेज रख के पीनी शुरू कर दित्ती। पहलां तां अंब दे अचार ते गठियां नाल जीभ दा स्वाद करदे रहे, पर जद पतीले विचों सुगंध उठण लगी तां उह अध कच्चे मीट दियां संखियां चूसण लग पए। पींदे रहे, तकसीम नाल शुगल करदे रहे। क्यों पकाई मारी है कंजर दे पुत्तो, इक वारी कह लो जो कहना, सारा दिन हिड़हिड़ करन दा की मतलब। तकसीम ने गंभीरता ते गुस्से विच रली मिली गल आखी। लखबीर ते भरपूर जिहड़े इको मंजे ते कोल बैठे सी ने सहनत रलाई, अज साड़े नाल कोई वधिया मखौल करिए। दोवें बोतलां मुका के उन्होंने रोटी खा ली ते पैण लगे। 10 बजे दा वक्त हो गया। चार मंजे नित वांग उन्होंने चुबारे अगे डाह ले ते आपो अपने विछा भी ले। रोटी भी तकसीम ने उस दिन उत्थे उन्हां नाल ही खाधी। वह घर नूं जाण लग्या तां लखबीर कहिंदा, तकसीम कच्चे रह गए यार, होर मंगाइए। ना, मैं तां बिल्कुल ठीक हाँ, तकसीम ने जवाब दिता ते चुबारे दियां पौड़ियां उतरन लई काल नाल पैर पुट्टिया। ओए तूं ठहर तां सही, लखबीर दे कड़कवें बोल ने जिवें उसदे पैरां नूं संगल मार लिया होवे। हेठां पैर रख के उसने उतां चुक लिया, कहिण लग्या, छेती दस, खासा नेरा हो गया, करदे उड़ीकदे होणगे। हाँ, करदे उड़ीकदे होणगे तैनूं माहीवाल नूं, भरपूर ने चोट कीती। आ फड़ 10 रुपए, भरपूर नूं नाल लै जा, एक बोतल होर फड़ लिया, लखबीर ने हुक्म वांग कह दिता। तकसीम ने उसका कहना नहीं मोड़िया।
ये भी शायद नहीं सोचा होएगा कि रोटी तो खा ली सब ने, रोटी तो बाद कौन पींदा। भरपूर नू कहण लग्या चल बई हो खड़ा। भरपूर कहिंदा चल कुड़ता पा लवां मैं। तकसीम दसां दा नोट लैके हौली हौली पौड़ियां उतरन लग्या। भरपूर अजे खड़ा सी ते मुस्कुरा रहा सी। लखबीर ने उसके कन विच कोई गल समझाई, वह भी फिर उसके मगर दगड़ दगड़ पौड़ियां उतर गया। शराब का ठेका मजबिया वेड़े सी। उन्होंने घर अगड़े दुगड़े जे बने सी। बेगाने आदमी नू पता लाना मुश्किल सी कि कोई गली किधर नू जांदी है ते फिर कित्थे खत्म हो जांदी है। कोई तरतीब नहीं सी, गलियां बहुत तंग सी ते सिद्धियां नहीं जांदियां सी। अगां किसी राह ते निकल भी जांदी है जां घरां विच जाके बंद हो जांदी है। अगे अगे तकसीम जा रहा सी, पिछे पिछे भरपूर। भरपूर कहिंदा जा रहा सी, तू ही लगी चल यार मूहरे, तू तो सियाणू है ठेके दा, मैं तां कदे आया ही नहीं इधर। एक गली दे मोड़ ते जाके तकसीम अगां आ गया ते भरपूर पिछे रह गया। भरपूर पिछे मुड़ाया, बहुत तेज भज के अपने चुबारे दीआं पौड़ियां आ चढ़िया। चुबारे अग्गों अपना बिस्तरा नहीं चुकिया। चुबारे दी छत उत्ते हमेशा ही टिलके जिहे पुराने बाण दे मंजे पए रहिंदे। ना तां उन्हां नूं मीह कणी विच हेठां लाया जांदा ते ना जेठ हाड़ दी धुप विच। हमेशा ही ओह खुल्ले आकाश हेठ तपदे सड़दे रहिंदे। कदे किसी ने चुबारे दे उत्ते सौना हुंदा तां सौ जांदा। आम तौर ते ओह चुबारे दे अग्गे ही पैंदे। बहुती गर्मी हुंदी तां स्टूल रख के टेबल फैन ला लैंदे। सारी रात हवा दे फराटे चारे मंजिआं दे उत्तों दी गुजरदे रहिंदे। मच्छर भी दूर रहिंदा। भरपूर ने एक चादर लई ते उसनूं चुबारे दी छत उत्ते पए एक मंजे ते विछा के आराम नाल सौ गया। कोई एक घंटे बाद तकसीम दी पैड़ चाल पौड़ियां विच होई। चुबारे अगे पए तिन्ना विचों कोई ना कुसकिया। लखबीर, तकसीम ने उत्ते आके पड़ाया जिहा बोल कढ़िया। कोई नहीं बोलिया। लखबीर, सौ गया? वह फिर रोण वाले वांग बोलिया। क्यों, की है? मैं हाँ तकसीम। तकसीम, इन्ना चिर अस तां सौ भी गए? लखबीर ने मंजे तो बैठा होकर रोह विच आख्या। यार बोतल तां मैं लैके नहीं आया। भरपूर नहीं उपड़िया? भरपूर कित्थे है? भरपूर इत्थे नहीं आया? ना इत्थे कित्थे है? तां फिर किधर छड्ड आया तू उहनूं? तकसीम थर थर कंबण लग पिया। तैनूं पता है उसे मजबियां दे वेड़े पिछले साल बंदा मार दित्ता सी भुलेखे च ही किते? लखबीर उसदे कोल आके पुछ रहा सी। तकसीम चुप खड़ा ते कंब रहा सी। जा लिया भाल के उहनूं, बंदा गल पवा लेंगा। ਇਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਜਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਦਬੱਲੀ ਫਿਰੇ। ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਬਿਖਰੇ ਬਿਖਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਹੋਰ ਧੜਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮਜਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਿਖੜਿਆ ਸੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ, ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਸਵਿੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੱਧ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਚੜਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੱਸੋ, ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਭਰਪੂਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਪੈ ਜਾ ਬਸ। ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ। ਲਖਬੀਰ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਖਬੀਰ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਤਕਸੀਮ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤਕਸੀਮ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਓਏ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਕਸੀਮ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਖੂਨ ਗਲ ਪੈਣਗੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ?
तकसीम दी अद मरी आवाज सी। जा जिन्ना चर पता ना लगे आई ना, इत्थे दस की लैणा है। तकसीम खड़ा सी। मैं चला, हरनेक ने मंजे तो बैठा होके पूछा बहुत गंभीर आवाज विच। जा यार लिया पलवा के, बंदे नुकसाने गए तो आपा भी मारे जावांगे। वो पौड़ियां उतर गए। अगे अगे तकसीम, पिछे पिछे हरनेक। मजबियां दे वेड़े जाके वह उसे गली अंदर दाखल होए। हरनेक उस तो 10 कदम पछा सी, कितने क निखड़िया सी तेथों जसविंदर। उस मोड़ ते आके तकसीम ने कहा इत्थे, ते अगां तुरदा गया। पिछे पिछे हरनेक। उस तो अगले मोड़ ते तकसीम अगां होया तो हरनेक ने भी जोड़े ला ले। तकसीम पता नहीं कित्थे कित्थे भौंकदा रहा होएगा। इस बार वह मुड़िया नहीं। कोई 3 घंटिया बाद वह चारे एक मंजे ते बैठ के उस दियां गल्लां करन लगे। हसदे हसदे गंभीर हो गए ते फिर चारे जने उसनू लभण लई मजबियां दे वेड़े वालू तुर पे। वह अपने घर भी नहीं सी। पौ फुट रही सी। तकसीम का कोई पता नहीं लग रहा सी।